हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज की हमारी रेसिपी है बॉक्स पेटीज़ जो है चिकन वाले सो लेट्स सी द रेसिपी सबसे पहले एक बर्तन में लेना है टू टेबल स्पून के बराबर ऑयल ऑयल अच्छा सा हीट होने के बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे जीरा वन टेबल स्पून के बराबर फिर उसे अच्छा सा ऐसा तड़का आने देंगे फिर उसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट वन टेबल स्पून के बराबर और सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे जब तक ये अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता ब्राउन होने के बाद फिर हमें इसमें ऐड करना है ये देखिए ब्राउन हो चुके अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची बारीक कटी हुई आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा तीखी भी ऐड कर सकते हो फिर ये तीनों को अच्छा सा भूनने के बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे वेजीज़ वेजीज़ आपके पास जो अवेलेबल है वो ऐड कर दीजिएगा मेरे पास है कैप्सिकम और गाजर और आप चाहो तो बेल पेपर हो गया कॉर्न हो गया वो सब ऐड कर सकते हो सबको मिला के हल्का सा सॉटे करना है क्योंकि इसका क्रंच हमें चाहिए और इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची वन टी के बराबर गर्म मसाला वन टी के बराबर और नमक स्वाद अनुसार वे सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे अब इसमें ऐड करना है हमें शेज़वान चटनी और ये सारे प्रोसेस के लिए हमें रखना है एकदम ही लो फ्लेम ताकि हमारी जो भाजी का क्रंच है वो वैसे ही रहे एकदम नरम नहीं पड़ जाए ये देखिए अब इसमें ऐड करेंगे श्रेड किया हुआ बॉयल चिकन ये मैंने 100 ग्राम्स के बराबर ले आप चाहो तो अपने हिसाब से लीजिएगा अब सब चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेना है अब इसमें एक ट्विस्ट है जो हम लोग देंगे इसमें स्मोक स्मोक देने से वाकई बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा स्मोक देने के बाद जब मेरे घर वालों ने इसे बोलते ना रिव्यू दिया तो माशाला सब लोग रहे थे एकदम टेस्ट चेंजर है गेम चेंजर बोलते ना गेम चेंजर है इसे स्मोक देना तो ये स्मोक देकर हमारा हो गया ऑयस कोयले को अच्छा सा हीट करना है उस पर ऑयल डालना है फिर जो धुआं निकलेगा उससे पहले उसे ढक देना है और पाँच से सात मिनट बाद इसे ओपन कर लेना है अब इसमें ऐड करेंगे मायनिज अगर आप चाहो तो इसमें ऐड करो वरना आप लोग ऐसे भी बैटर को डाल सकते हो जो हमारी समोसा शीट है उसमें तो सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है ये देखिए मिक्स होकर प्रॉपर पूरी रेडी हो गई है और एक प्लेट खाली हमें लेना है और ये हम लोगों ने मैदे की स्लरी बनाकर ले ली अब बढ़ते हैं आगे के प्रोसेस पर समोसे की पट्टी इस तरह से रखना है फिर इस प्लस बनाकर रखना है हमें फिर उसके सेंटर में जो हम लोगों ने फिलिंग बनाई वो रख देना है एक साइड फोल्ड करना है और इसे अपोजिट साइड से फ्लिप करना है हमें तो सबसे पहले लगाएंगे जो मेहदी की स्लरी हम लोगों ने बनाई है ये देखिए इस तरह से लगाना है फिर उसके बाद ये इसी लगाना है क्योंकि ये अच्छा सा स्टिक हो जाए इस पर ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह और जो इसका अपोजिट साइड है उसे भी हम लोगों ने फ्लिप कर लिया अब जो जो इसका नेक्स्ट अपोजिट साइड है वो इससे फ्लिप करेंगे मेहंदी की स्लरी लगा के ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह से बहुत क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है अगर आप चाहो तो इसके सेंटर में एक स्लाइस रख सकते हो चीज़ का और ज़्यादा इसे अच्छा बनाने के लिए तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा फर्स्ट बॉक्स पेटिस रेडी हो गया है चिकन बॉक्स पेटिस रेडी हो गया है माशाल्लाह तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं बहुत ज़्यादा घाई में थी आई मीन रमज़ान चल रहा है आप लोगों को तो पता ही है तो इसकी फ्राइंग भी नहीं दिखा सकी और जो ये जो तेल की ऐसी हालत हुई है वो है हमारे साबुदाना वड़े की वजह से तो हम लोगों ने इसे फ्राई कर लिया और इसी तरह से हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो गई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा